हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट सेकंड सॉल्यूशन है। आज हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल आईपी एंड डब्ल्यू परसेंटेज। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो उसमें पहले ही क्लियर कर दिया था, एक होता है कंसंट्रेशन टर्म में, एक बार रिवाइज करा दो, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन टर्म में एक का टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक का टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले सारे हो चुके हैं। अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में सबसे पहले मोलालिटी, मोलालिटी MOL LIT में मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या मोल फ्रैक्शन। तीसरा WW परसेंटेज, यहां पढ़ सकते हैं VV परसेंटेज एंड WV परसेंटेज, क्लियर। टेम्परेचर डिपेंडेंट पर अब बोथ द पीपीएम 5 पर मिलियन WW परसेंटेज। तो ये चार टर्म्स हैं वो आज हमें क्लियर करने हैं। पहला है मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन एंड WW, ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट है कंपटीशन लेवल और बोर्ड के लिए, तो यही न्यूमेरिकल आते हैं इनसे। और आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी से कॉन्टैक्ट रखती है। तो आज चलिए गाइस मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन में चलते हैं। टिल टाइम चलिए सबसे पहले मोलालिटी, मोलालिटी, मोलालिटी। तो सबसे पहले मोलालिटी क्या है, कैसे है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो कोई उसका रिवाज कर दो। और मोलालिटी इट इज रिप्रेजेंट बाई स्मॉल एन। एक का हमारा कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट पर मोलालिटी, तो इसकी डेफिनेशन में क्या डिफरेंट है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg, या क्या था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये डिफरेंट है। तो इसको मोलालिटी, मोलालिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। तो स्मॉल एम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मैंने बताया इस चैप्टर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले सॉल्यूट को हमेशा बी मान के चलूंगा, सॉल्वेंट को ए, चैप्टर का जब तक एंड नहीं हो जाएगा जब तक। तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो WA सॉल्वेंट केजी में। अब मोल निकालना जानते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लें, एम की मोल क्या होता है, WB अपॉन MV वेट ऑफ द सॉलिड अपॉन मोलर मास ऑफ सॉलिड। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो स्मॉल m इज इक्वल टू WB अपॉन MV इनटू WA kg। एक तो ये फॉर्मूला है kg, एक तो मोल ग्राम में दिए हों, देन स्मॉल m WB इनटू 1000 अपॉन MV इनटू
डाउनलेट इन ग्राम। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला आ गया केजी में और ग्राम। क्लियर? चलिए गाइस आगे चलते हैं। यूनिट, यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट सीधा सीधा मोल प्रति, यूनिट क्या होगी? मोल प्रति। क्लियर? तो एक बार क्लियर कर दूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिजॉल्वड इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो हो जाएगी मोलल टी। अगर लीटर ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो हो जाएगी मोलारिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, m इज इक्वल टू mv मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। हम तो mv जानते हैं, w अपॉन mv होता है, मैं लिख कर दो टाइम मोलारिटी फार्मूला कैलकुलेट होकर आ जाता है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। मुद्दा नंबर 2, पॉज करके नोट्स बनाते जाए साथ साथ में, सबसे बेस्ट है नोट्स। और इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा फॉर्मूले हैं, तो उन फॉर्मूले को लर्न करें। तो नोट पॉइंट लगाएं, पहला नोट पॉइंट फर्स्ट क्या कह रहा है, मोलारिटी इज बेटर कंसंट्रेशन, मोलारिटी इज बेटर कंसंट्रेशन यूनिट देन मोलारिटी। मोलारिटी स्मॉल एम, ये कैपिटल है। मोलारिटी बेटर कंसंट्रेशन यूनिट देन मोलारिटी, व्हाई? बिकॉज कई बार क्वेश्चन अच्छा है, बिकॉज मोलारिटी, मोलारिटी चेंज, मोलारिटी चेंज इससे, चेंज विद टेम्परेचर, चेंज विद, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? मोलारिटी चेंज हो जाती है जब टेम्परेचर को चेंज करते हैं, बट मोलारिटी स्मॉल एम, क्लियर, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? तो ये फर्स्ट नोट पॉइंट है, मोलारिटी इज बेटर कंसंट्रेशन यूनिट देन मोलारिटी। क्लियर? दूसरा सेकंड नोट पॉइंट क्या है, एम मोलारिटी, मोलारिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज, क्यों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, इंक्रीज विद टेम्परेचर। क्लियर? विद टेम्परेचर तो मोलारिटी डिक्रीज हो जाती है, तो मैंने कहा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलारिटी क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म के अंदर आता है, तो कैपिटल एम बराबर क्या होता है, डब्ल्यू वी फॉर्मूला लेके डब्ल्यू वी इंटू 1000 हो चुका है, बराबर से एम वी इंटू बी लीटर में, तो हमें वॉल्यूम आ रहा है, तो कह रहे हैं मोलारिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।
है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मोलारिटी डिक्रीज होगी, व्हाई? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद टेम्परेचर, क्लियर? तो मोलारिटी डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, मोलारिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर? तो दो पॉइंट अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों, नोट पॉइंट में, क्लियर? फटाफट से इसका स्क्रीन शॉट हटा लीजिए, तीसरा पॉइंट कराता हूं, ले लिया? चलिए गाइस तीसरा पॉइंट देखते हैं। 1 mL means 1 molarity is more concentration than किसके than 1 mL molarity solution small m molarity capital M मोलारिटी, क्लियर? चलिए गाइस क्यों है 1 mL इज मोर कंसंट्रेशन, मतलब मोलारिटी का कंसंट्रेशन मोर है कंपैरिजन में 1 mL सॉल्यूशन, बिकॉज इन 1 molar सॉल्यूशन, 1 mole ऑफ सॉल्यूट, 1 mole ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इसमें 100 mL, सॉरी 1000 mL कितने में डिजॉल्व है, वेयर एक्स as 1 mL molar, ये molar है, molar solution तो 1 mole of solute is present in less than 1/9 of water kgs in water, clear? तो ये फटाफट से मोलारिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मोल फ्रैक्शन, क्लियर? चलिए गाइस मोलारिटी हो चुका है, अब टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, द रेशियो मोल ऑफ one component to the total number of mole present in solution is called mole fraction. This is what it is represented by chi. So component chi b is equal to mole for nb, na plus nb. As a component second solute, ये solute के लिए है, मैंने बताया b को सॉल्यूट
जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा एक वो सॉल्व है, बार बार इंडिकेट कर रहा हूं। बी बना जाए वहां पर सॉलिड होगा ए, तो सॉल्वेंट के लिए बोन फ्रैक्शन काई ए इसका यू एन ए एन ए प्लस एन बी, याद है यहां से और वी नो दैट काई ए प्लस काई बी इसका यू होता है वन। तो इसमें इसमें डिवाइड कर दूं तो काई ए प्लस काई बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बन के इक्वल हो जाए। तो ये फॉर्मूला होता है तीनों फॉर्मूले यूज होंगे देन ये कहेगा सिंगल यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। भाई यहाँ यूनिट हटके जाएंगे तो वो आपस में सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो हम देख सकते हैं नो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। ध्यान रखना क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो नो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन आगे होगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा मोल फ्रैक्शन क्या है, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट। देखो वन कंपोनेंट टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो टोटल मोल एन प्लस एन बी ये सॉल्यूशन के लिए निकाल लिया भाई। कंपोनेंट सॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट होते हैं ना, ए जो सॉल्यूट है और बी जो सॉल्वेंट, तो दोनों के लिए अलग मोल फ्रैक्शन। तो ऐसे काई ए इसका जो एन ए एन प्लस एन बी काई ए प्लस काई बी इसका जो होता है वन। पर आप स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं मो डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज। चलिए गाइस फटाफट से स्क्रीन शॉट आउट ले लिया होगा, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपना डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज। चलिए गाइस फटाफट से स्क्रीन शॉट आउट ले लिया होगा, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज तो क्या है, का मास ऑफ कंपोनेंट, द मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बस हो गया डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज। तो डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बी 200 बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉलिड, डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो टोटल वॉल्यूम डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी क्या बन गया सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं ठीक है। तो चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पी PPM में डब्लू डब्लू, तो वहां भी क्या बहुत था पर PPM पावर क्या क्या कर रहे थे, तो ये हो जाएगा डब्लू बी इंटू टाइम पावर कितना 6 डब्लू ए प्लस डब्लू बी, बस क्या है। तो चारों कंसंट्रेशन टर्म हो चुके हैं, न्यूमेरिकल चलते हैं हम, न्यूमेरिकल किस प्रकार से आता है इस पर। तो चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, न्यूमेरिकल पे पहुंचते हैं फटाफट। चलिए गाइस किस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देखिए जरा कैसे न्यूमेरिकल आता है आपके चार्ट पर। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर एस 10% डब्ल्यू डब्ल्यू 10% डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज, क्लियर।
the density of solution कितना 1.20 ग्राम पर एमएल कैलकुलेट। पहला मोल डेंसिटी, दूसरा मोल फ्रैक्शन, तीसरा मोल लिक्विडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन तो याद रखते हैं, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी। क्लियर? तो सबसे पहले मोलैरिटी देखें, ये आसान है क्योंकि ये तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये केमिकल एवं टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो पहले इनको कैलकुलेट कर ले, इसको अभी कैलकुलेट करना बताऊंगा। मोलैरिटी को कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम, फॉर्मूला है डब्ल्यू वी इंटू वन मार्च एम डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू ए। जब जब परसेंटेज का है कि 10% है, तो यहाँ पर डब्ल्यू में कितना आ जाएगा 10, और डब्ल्यू ए निकालना है तो 100 माइनस 10 90। क्लियर? ग्राम में तो स्मॉल एम, डब्ल्यू में कितना है सीधा सीधा 10 × 1000 डब्ल्यू ए, अरे फॉर्मूला तो गलत हो गया, एम बी इंटू डब्ल्यू। क्लियर? तो एम बी कौन है? ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए C6H12O6, तो एम बी होगा इसका निकालना 180 मोलर मास, क्योंकि 12 × 6 + 12 + 6 × 16 निकाल के निकालना 180 होता है 180 × 90। जीरो से जीरो गया, इस जीरो से जीरो गया, अब दो से ये 50 गया, ये 9 गया, 50 अपॉन ये आ गया 81। तो इसका डिवाइड कर लेंगे वो आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर 0.16 के समथिंग। क्लियर? मोल पर ग्राम चेक कर लो। ये तो आगे क्या मोल है। अब चलते हैं फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, एक बार बता दूं 10% कह रहा है तो डब्ल्यू बी पहले देखो कितना है। 10 डब्ल्यू ए निकाल के 100 में से उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, डब्ल्यू ए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, दैट फार्मूला पुट करते हैं, आंसर निकल आया। चलिए गाइस आगे चलते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे तो इधर देखिए। मोल फ्रैक्शन तो सबसे पहले फार्मूला काइबी किसका यू एन बी एन ए प्लस एन बी। क्लियर? तो यहाँ पर एन बी बराबर जानते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एन बी के, तो डब्ल्यू बी कितना है आपका 10 × 180 जीरो से जीरो, ये 0.0 फटाफट से इसका डिवाइड कर दीजिए। चलिए गाइस तो
इसका 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां पर 0.055 क्लियर, इसका डिवाइड करेंगे तो यहां पर अब देखें इससे एन ए इसमें टू डब्ल्यू ई डब्ल्यू ए अपॉन एम ई, एम ए कौन है वाटर, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई इसको घटाएंगे 10% मतलब डब्ल्यू बी को हो गया 10, डब्ल्यू ए 100 माइनस 10 90, तो ये कितना आ जाएगा 90 अपॉन एम ए वाटर का मोलर मास एम बी कितना होता है 18 पार्टिकल मोलर मास, तो ये 5 क्लियर। अब निकाल रहा हूँ इसके लिए मोल बिल ट्रायल बीस का यू एम बी कितना है 0.5055 अपॉन 5 प्लस 0.055 क्लियर, 0.055 अपॉन 5. ठीक है 0.55 इसका डिवाइड करेंगे तो 0.010 क्लियर, ये आगे काई जी। अब काई प्लस जानते हो काई जी दूसरे के लिए सीधा फॉर्मूला लगाए काई प्लस काई जी इसमें तो हमेशा बन गया होगा, तो काई जी निकाल लिया है तो काई जी इसमें क्या आएगा 1 माइनस काई जी में देन 1 माइनस 0.010 देन काई जी इसमें तो अप्रोक्सीमेटली 0.9 क्लियर। तो ये मोल फ्रैक्शन लास्ट बचा है मोलारिटी कैपिटल एम बचा है क्लियर, तो कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी लीटर, लेकिन वॉल्यूम नहीं दे रखा तो सबसे पहले यहां देखते हैं डी बराबर जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्लियर, डी इसमें टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डी इसमें टू मास अपॉन वॉल्यूम है तो वी निकालो तो वी इसमें क्या आया एम अपॉन डी देन पुट वैल्यू, तो यहाँ फॉर्मूला क्या रहेगा एम नीचे रहेगा डी ऊपर फॉर्मूला क्लियर, तो ये यहाँ से मास अपॉन डी से निकाल सकते हैं। अब डेंसिटी डब्ल्यू ई इंटू 1000 डेंसिटी कितनी दे रहा है 1.20 देन एम ई ग्लूकोज के लिए 180 इंटू एम स्मॉल एम इस प्रकार से 100 ml बनाते हैं, हमेशा एम के लिए इस फॉर्मूले को नोट करें कि एम के लिए हमेशा 100 रखूंगा यहाँ पर क्लियर, पर एम कितना है 10 डब्ल्यू बी कितना है 10, तो हमेशा 100 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल इस जीरो से ये जीरो कैंसिल इस पॉइंट को हटाओ तो दो जीरो बढ़ गए तो यहाँ बचा 10 × 120 अपॉन 1800 ठीक है, कौन से हटाया एक बार फिर सोचे दो जीरो से दो जीरो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल इस पॉइंट को हटाया दो जीरो बना लिए ऊपर क्या रहेगा 10 × इस जीरो से इस जीरो तो ये आप कितना आया 6/9 ये 6 बार ये 9 बार तो 0.6 ठीक है कितने बचे 6667 ये आ गया प्लस के लो टाइम के लिए कितना आ रहा है बोला कि 0.067 यहाँ पर इतना ये वाला फॉर्मूला मैंने पहले भी नोट कराया बोला कि तेरे डेंसिटी क्या है तो डी बराबर एम अपॉन बी रख देना और बी बराबर हो जाएगा एम अपॉन डी के डी ऊपर ट्रांसफर हो गया तो एम को हमेशा 100 के परसेंटेज दे रहा है तो 100 ml मान के चलूंगा
कॉलेज का स्क्रीनशॉट आ गया एनसीईआरटी में, क्वेश्चन दिए हैं यहां पे 2.1 इंडेक्स, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 करके देखिए, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। क्लियर आज के लिए, टिल देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कुछ न्यूमेरिकल लेकर, और थैंक्स।